खबर भी हम अपने दर्शकों को बताते चले जो कि बुलीबाई केस मामले से जुड़ी हुई है। बुलीबाई केस ऐप मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, एक और गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है और ये जो गिरफ्तारी हुई है ये मुंबई पुलिस ने की है। मुंबई पुलिस ने एक स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है, एक छात्र को गिरफ्तार किया। आपको बता दें इसके पहले भी इस पूरे मामले में एक और गिरफ्तारी हुई थी। अभी तक कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। कल भी एक बेंगलुरु से एक स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया था। ज्यादा जानकारी के साथ मेरी साथी शिवानी जुड़े हैं। शिवानी, कब और किस तरह से गिरफ्तारी हुई और जिस स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया उसका रोल किस तरह का था, जरा विस्तार से समझाएं। देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि यहाँ पर जो पहली डिटेन और पहला अरेस्ट बेंगलुरु के स्टूडेंट का किया गया है उससे 10 घंटे से ज्यादा की लगातार क्वेश्चनिंग हुई, जिसके बाद उसे अरेस्ट घोषित किया गया। और उसके बाद एक महिला उत्तराखंड से अरेस्टेड थी उसकी जानकारी ली गई। दोनों से लगातार सवाल जवाब का सिलसिला, जिसके बाद कई और लोग उनकी इस पूरी ग्रुप में मौजूद हैं ऐसी जानकारी ऑफिशियल्स को मिली, जहां पर उन्होंने बताया कि 3 से 4 अन्य जो लोग हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो कि ना सिर्फ ऐप डेवलपिंग का काम करते थे बल्कि किसी के इशारे पर काम करते थे। तो फिलहाल जिस पुलिस ने 3rd व्यक्ति को इसमें अरेस्ट किया है उसका रोल भी यही बताया जा रहा है कि वो ऐप डेवलपिंग में मदद करता था और पूरी तरह से ऐप के अंदर किन लोगों की फोटोज डाली है उसका, उसको सोशल मीडिया पर कैसे प्रमोट करना है, इन सारी चीजों में 3rd अरेस्टेड व्यक्ति का योगदान बताया जा रहा है। हालांकि फिलहाल इनकी सवाल जवाब जो है वो भी आगे चलेंगे और अन्य डिटेल जो है वो आज एक पत्रकार परिषद, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी मुंबई के सीपी हेमंत नगर की जाएगी कि आखिर किस तरीके से लिंक है, क्योंकि ये जो भी लोग हैं 18 और 21 वर्ष के युवक और युवती जो है ये किसी अन्य व्यक्ति के इंस्ट्रक्शन पर ये सारे काम करते थे, जिसको लेकर एक इंटरनेशनल लिंक की भी खबर सामने आई है। और इंटरनेशनल लिंक की ही जानकारी फिलहाल पुलिस खंगाल, इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आ सकता है। शिवानी, बहुत बड़ी जानकारी आप दे रही हैं। अपने दर्शकों को ये भी बताते चले कि जिस तरह से बुलीबाई ऐप सामने आई उसके बाद में कई मुस्लिम महिलाओं के की तस्वीरें इसमें साझा की गई और इसके बाद क्या विवाद इससे जुड़ा, ये पूरा मामला क्या है, ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। बुलीबाई ऐप मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करने वाले इस ऐप ने 2022 के शुरू होते ही तहलका मचा दिया है। अब तक इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक हिरासत में ली गई एक महिला है और मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने बेंगलुरु से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे एक 21 साल के आरोपी को हिरासत में लिया है। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ये आरोपी बुलीबाई ऐप के 5 फॉलोअर्स में से एक है। मुंबई पुलिस ने आरोपी की पहचान नहीं बताई है और उसे बेंगलुरु से मुंबई लाया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ IPC और IT एक्ट की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मुंबई पुलिस सूत्रों ने कहा है कि आरोपी छात्र एक ट्विटर हैंडल के जरिए आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड कर रहा था। बुलीबाई के मामले में साइबर सेल पुलिस थाने में FIR दर्ज किया गया, जांच शुरू है और बेंगलोर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। निश्चित रूप से मामला गंभीर है, गंभीरता से पुलिस उसकी जांच कर रही है और जो भी लोग उसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, आगे भी होगी, ताकि इस तरह की हरकतें आगे ना हो इसको सुनिश्चित करने का काम सरकारें करें। मुंबई पुलिस को पहली सफलता मिल गई है, लेकिन #बुलीबाई, #बुलीडील्स, #सुलीडील्स सोशल मीडिया पर ये सभी टैग ट्रेंड कर रहे हैं। देश भर में इन हैशटैग्स की वजह से हंगामा मचा हुआ है और वजह है बुलीबाई ऐप, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को अपमानित करने का काम चल रहा है। आपको सीधे साधे शब्दों में पहले बुलीबाई ऐप के बारे में समझाते हैं। कुछ अज्ञात लोगों ने GitHub प्लेटफॉर्म पर बुलीबाई नाम का ऐप बनाया। मुस्लिम महिलाओं को अपमानित करने के मकसद से इस ऐप को विकसित किया गया है। ऐप बनाने वाले अज्ञात लोग अवैध रूप से मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर इकट्ठा करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म से मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर चुराते हैं। महिलाओं की तस्वीरों पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तस्वीरों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ऐप पर कई महिलाओं की तस्वीरें डाली जाती हैं। तस्वीर पर लिखा जाता है योर बुलीबाई ऑफ द डे। इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है। मुस्लिम महिलाओं को इन तस्वीरों के माध्यम से ट्रोल किया जाता है और तस्वीरों को शेयर करने के बाद उनकी नीलामी की जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपमानित किए जाने के बाद
दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद की 6 महिलाओं ने बुल्ली बाई ऐप के खिलाफ आवाज बुलंद की। मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद में महिलाओं ने केस दर्ज कराया। मुंबई की 2 शिकायतकर्ता महिलाओं का बयान दर्ज कर लिया गया है, जबकि हैदराबाद की एक महिला विक्टिम ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस दर्ज करने की मांग की है। Basically, the FIR has been taken place in Bombay and Delhi. So today, it might take in Hyderabad also because one of the victims is a 69-year-old social activist who has been there on grounds for people during the COVID time. Mumbai police ne agyat logon ke khilaf mukaddama darj kar liya hai. Mumbai police ne FIR mein IPC ki dhara 153 a, jiska matlab dharmik aadhar par do samudayon ke beech bhedbhav ko badhana. Dhara 153 b, yani jaan boojh kar धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने की कोशिश करना, धारा 354 डी पीछा करना, महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने की नियत वाले शब्दों या व्यवहार का इस्तेमाल करना, धारा 500 के साथ इसमें आपराधिक मानहानि को भी शामिल किया गया है। साथ ही आईटी एक्ट की धारा 67 यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपत्तिजनक मटेरियल लिखना या भेजना। जबकि दिल्ली पुलिस ने ऐप के डेवलपर के बारे में गिटहब से जानकारी मांगी है। ट्विटर से अपने प्लेटफॉर्म पर संबंधित कंटेंट को ब्लॉक करने और हटाने के लिए कहा गया है। पुलिस ने ट्विटर से ऐप के बारे में सबसे पहले ट्वीट करने वाले अकाउंट हैंडलर के बारे में भी जानकारी मांगी। मुंबई और दिल्ली पुलिस के इस मामले में कार्रवाई में अंतर है। मुंबई पुलिस का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जबकि मुंबई पुलिस के द्वारा लगाई गई धाराएं गैर जमानती हैं। बुल्ली बाई ऐप को गिटहब प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया गया, हालांकि केंद्र सरकार के दखल के बाद ऐप को ब्लॉक कर दिया गया। इस मामले पर गिटहब ने सफाई भी दी और हर प्रकार से कानूनी प्रक्रिया में सहयोग का वादा किया है। गिटहब ने कहा है, गिटहब के पास उत्पीड़न, भेदभाव और हिंसा भड़काने वाली सामग्री और आचरण के खिलाफ लंबे समय से नीतियां मौजूद हैं। हमने ऐसी गतिविधि की रिपोर्ट की जाँच के बाद एक उपयोगकर्ता खाते को निलंबित कर दिया है, जो हमारी नीतियों का उल्लंघन करती है। स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुपालन के लिए लॉ एनफोर्समेंट का पूर्ण सहयोग करता है। हमने इस मामले में भारतीय पुलिस को अपनी नीति से अवगत कराया और वैध कानूनी प्रक्रिया में हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। इस तरह महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध चिंता का विषय है। मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जल्द ही सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ ये घिनौना खेल खेल रहे लोगों के चेहरे देश के सामने आएंगे।